बोलो। जी मैं मुस्लिम कन्वर्ट हूँ, कन्वर्ट होने जा रहा हूँ इस्लाम बहुत इस्लाम अच्छी में। बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, आपको मुबारकबाद मेरी तरफ से। नहीं भाई वो क्या है ना, वो आप कुरान में साइंटिफिक फैक्ट गलत है, आप इस तरह बोल रहे थे। अब जी क्या गलत है, मुझे इस्लाम सच लगता है, हक लगता है। मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ मगर मुझे इस्लाम हक लगता है। अच्छा, मुझे सर एक बात आप बताइए। बताएं। समीम भाई एक मिनट दीजिए, बस एक मिनट दीजिए। देखिए, अगर आप इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद। आपका सफर जो है बहुत अच्छा रहे और आसानी जी वाला रहे, क्योंकि जब आप हिंदू से निकलेंगे ना और मुसलमान बनेंगे, नहीं। कोई हिंदू, सुन ले भैया सुन ले, कोई हिंदू आपके घर वाले आपको ये नहीं कहेंगे कि अगर तू मुसलमान बना और तूने हिंदुज्म को छोड़ा, हम तेरी गर्दन काट देंगे। अब इधर से तो जा सकते हैं, सही सलामत जाइएगा, लेकिन उधर से आने की उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि सही सलामत आएंगे नहीं आप। नहीं मेरे बाप ने बोल रहा है अगर तुमने इस्लाम कबूल कर लिया तो घर से निकलवा दूंगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी मेरे वो ऊपर घर से दो चार। निकलवा, सुने वो घर से तो निकलवा देंगे आपको, पर दुनिया से नहीं निकालेंगे। पर अगर उधर से आओगे ना तो दुनिया में ही नहीं रहोगे। नहीं अच्छा, इनसे समीर, इनसे एक अच्छी बात पूछे, नहीं इस्लाम में कौन सी लगी है जिससे मुसलमान होने जा रहे हैं। मैं यहाँ आपको ये पूछने आ रहा हूँ कि इस्लाम आप बहुत लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं कि कुरान में ये साइंटिफिक गलत है गलत है, ये साइंटिफिक गलत है। इसमें क्या साइंटिफिक फैक्ट गलत है? मुझे ओके, मुझे तो आप इस्लाम में इस्लाम, आप ये मुझे बताइए मुझे, तो आप जो मुझे इस्लाम कबूल तो करने जा, अरे भाई सुन तो ले, सुन ले भाई सुन ले, आपकी बात आ गई, हाँ सुन ले, ज्यादा लंबा वो ना करें। मुझे एक बात बताइए, आप इस्लाम जो कबूल करने जा रहे हैं वो जी आप कुरान को पढ़कर, इस्लाम को पढ़कर कबूल करने जा रहे हैं, या किसी से इन्फ्लुएंस होकर पढ़ने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं? मैं बहुत सालों से पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ। ओके, मतलब आप पढ़कर के, मतलब आप पढ़कर के ही जा रहे हैं ना, तो आपको पता होगा कि हाँ कुरान में एक्चुअली लिखा क्या है। तो अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या गलत है, तो मैं जी ये कह रहा हूँ कि कुरान में साइंस, खलकियत, कायनात और साइंटिफिक जितनी भी बातें बयान की गई हैं वो सारी की सारी गलत है। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या सही लगता है, वो है। अरे आपको आपको सब कुछ गलत लगता है मुझे, मगर मुझे सब कुछ हक लग रहा है, इसीलिए मैं आपको अच्छी पूछ रहा हूं बात कि है, क्या फिर अगर गलत आपको, है। सुने ना, अगर मुझे गलत लग रहा है तो मैं अपने साथ हूँ, आपको हक लग रहा है आप अपने साथ हैं, आप मेरे से आगे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं ना, मैं आपको पूछ रहा हूं कि क्या गलत है, उसमें क्या गलत है, अगर कुछ अरे गलत। भाई, मैंने तो कह दिया आपको कि मुझे तो सब कुछ गलत लगता है, आपको सही क्या लग रहा है? आपने तो कुरान पढ़ा है ना, आप तो पढ़ के मुसलमान बनने जा रहे हैं ना। आपने जब पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ना कि उसमें साइंटिफिक सही क्या चीज है, मुझे बता देना क्या साइंटिफिक सही है उसके अंदर। कोई एक चीज पेश कर दें प्लीज। जी, जी मैं आपको आपको क्या लगा? बताता हूँ, एक मिनट, उसमें जो है बिग बैंग का है। दिखाइए, कहाँ है दिखाइए। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं घर से बाहर जाता हूँ, सब सो रहा है घर में। नहीं, आप घर से बाहर चले गए, वो ये अच्छा है घर वालों के लिए। आप बता जरा कहाँ है बिग बैंग। गोरख वो को बड़ा को कर लिए भर्ती मंडल शाह को। हेलो हां हाँ जी, हाँ जी, जी बताओ सर, बिग बैंग का जिक्र कहाँ है कुरान में? जी बिग बैंग में वो है ना, धरती आसमान जुड़ा हुआ था, बाद में हमने उसको अलग कर दिया। आयत नंबर बताइए ना, आयत नंबर, सूरह अंबिया की आयत नंबर कितनी है? अच्छा, आयत नंबर 30 लगता है, 30 लगता है कि है? 30 30 है, मुझे क्या आयत नंबर काफ्रों ऊपर ने नहीं देखा? हाँ जी, मैं बताइए मोहम्मद आप। इरफान में आता हूँ, मोहम्मद इरफान में आता हूँ, एक मिनट, मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूँ भाई वो आयत, ठीक है ना, जिसमें आपको बिग बैंग नजर आ रहा है। अच्छा, मुझे पहले एक बात बताइए, जब बिग बैंग हुआ था बिलीवर साहब, उस जी। वक्त इंसान थे क्या? उस वक्त तो इंसान नहीं था, उस कायनात बन रहा था उस जाहिर वक्त, सी बात है, जब इंसान नहीं थे तो काफिर भी नहीं होंगे। मतलब काफिर नहीं होंगे, काफिर भी नहीं होंगे। ओके, अवलम यर वल्लजीना कफरू अन السماوات والارض, क्या काफिरों ने नहीं देखा? कौन से काफिर ने देखा बिग बैंग भाई?
अब देख रहे हैं ना, अब बिग बैंग दिख रहा है आपको? हाँ, मतलब वो लिटरेचर की बात में होता है ना, लिटरेचर नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपको बिग बैंग दिख रहा है। बिग बैंग अब हम कैसे देख सकते, वो हो गया। अच्छा, कैसे देखा था काफिरों ने जब अब नहीं देख सकते? तो अब हमें पता चला ना, पता चलने में और देखने में फर्क होता है ना, देखने की बात हो रही है, पता चलने की नहीं हो रही है। मतलब हम उसको लिटरेचर की बात में वो ऐसा बिग बैंग की तो बाद में बात करेंगे हम कि ये आयत बिग बैंग की आयत है कि नहीं है, और ये कुरान की अपनी अपनी क्रिएशन है कि कहीं से चुराई गई है। इस पर तो मैं बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको विद रेफरेंस, हवा हवाई बात नहीं होगी यहाँ, विद रेफरेंस बात होगी। लेकिन पहले तो आप यही साबित करें कि वो कौन से काफिर थे जो खड़े होकर के बिग बैंग देख रहे थे दूरबीन लगा के। इसीलिए नहीं देखा, ऐसा कौन देख रहा है? काफिरों ने नहीं देखा तो भैया कौन से काफिर थे जो देख रहे थे बिग बैंग? भाई हम नहीं थे। अरे तुम्हारी आप काफिर है ना? हाँ, मोहम्मद अरबी साहब आप काफिर है ना? आप लोगों में से किसने देखा बिग बैंग? नहीं भाई, अल्लाह ने हमारा जवाब है नहीं, अल्लाह ने हमने नहीं देखा। अच्छा समीर साहब, कमेंट्स में ले जरा पूल कराए किस किसने देखा, मैं भी कोई देखे में बैठा हो। अच्छा भाई कमेंट में बता दो काफिर हो तुम में से किसने देखा है बिग बैंग होते हुए? कोई खड़ा हुआ था वहां पे जब फट रहा था वो? कोई भी नहीं देखा भाई। और दूसरी बात, और सुनो मेरी बात भाई, अब इसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है, यानी कि तुम यहाँ पर हो गए डिबंक। अब अगली बात, ठीक, अगली बात क्या है कि ये आयत बिग बैंग के बारे में हो ही नहीं सकती, क्योंकि बिग बैंग में जमीन थी ही नहीं। जमीन तो 10 लाख साल बाद बनी है। जमीन या तो जमीन के बारे में दो पॉसिबल थ्योरीज बताई जाती है, एक तो ये कि बहुत सारे उल्का पिंड के इकट्ठा होने से, या तो फिर सूरज का एक बड़ा भूभाग टूटने की वजह से जमीन बनी है, बिग बैंग में जमीन थी ही नहीं। जी भाई कहाँ है बिग बैंग? बैंग जमीन थी क्या बिग बैंग में? हथौड़ा मैं भी ढूंढ रहा हूँ समीर। जब बिग बैंग में आप अच्छा चुबाने किल्ला जी, जब ये खुद कह रहे हैं कि नहीं जमीन नहीं थी बिग बैंग में, तो भैया जमीन और आसमान कहां से आ गया? ये वही से है ना बिग बैंग, बिग बैंग की कुरान। सब कुछ आया वहीं से आए भी यार, क्यों मजाक कर रहे? जो बनने का टाइमिंग है ना, डेट है, वो भी इनको बताएंगे। 2 दिन में बना दी, 6 दिन में बना दी, 4 दिन में बना दी, हर जगह मुख्तलिफ। ओ भाई बिलीवर साहब, क्या सोच के जा रहे हैं आप इस्लाम कबूल करने, क्या पढ़ा आपने? और कुछ है आपके पास साइंटिफिक करेक्शन जिसको मैं एरर करूंगा अभी? जी भाई बिलीवर साहब, और कुछ या बस खत्म, टाटा बाय बाय हो गया? मतलब वो साइंटिफिक फैक्ट है, वो पूरा कायनात पहले स्मोक था, उसके बाद अल्लाह ने धरती और आसमान को बुलाया, वो आ गए। ओके, ये भी गलत है क्योंकि वहां पर जो सीक्वेंस बयान किया गया ना कायनात के बनने का, वो अभी साइंटिफिक साइंस के मुताबिक अभी गलत साबित कर देता हूँ। अच्छा बात आप बोलेंगे, आयत में निकाल के दिखाऊंगा आपको। अब आप मेरी स्टडी देखिए, बात आप बोलेंगे और आयत में निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। आपको इससे नहीं समझ में आ रहा कि मेरी कितनी स्टडी होगी इस पर? आपने आयत तो नहीं बोली ना, कौन सी आयत है? बात ही बोली ना, ये लीजिए आयत आपके सामने आ गई। मशाल्लाह, इसी को कह रहे ना, और इसने जमीन में, अच्छा इसको कह रहे हैं ना, फिर आसमान की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो धुआं धुआं सा था, तो उसने इसे कहा कि इसे और जमीन से फरमाया कि दोनों आ जाओ खुशी से या फिर ना खुशी से, ये वाली बात कर रहे हैं ना। इसको जरा 9 से पढ़ना शुरू करो, 9 में क्या लिखा हुआ है? 9 में लिखा हुआ है, हाँ मैं पढ़ के बता रहा हूँ। कहो
क्या तुम इससे इनकार करते हो जिसने जमीन को दो दिन में पैदा किया? कितने दिन में पैदा किया बिलीवर भाई जमीन को? दो दिन में। पहले क्या बनाई? जमीन, उसके बाद और उसका उसके मद्दे मुकाबिल बना, तुम उसके मद्दे मुकाबिल बनाते हो, वही तो सारे जहानों का मालिक है। इसने दो दिन में जमीन पैदा की, उसके बाद दस में गया, फिर क्या करा? और इसने जमीन में इसके ऊपर पहाड़ गाड़ दिए, क्या करे? कील की तरह गाड़ दिए। अब मुझे बता, पहाड़ ऊपर से नीचे की तरफ गाड़े गए हैं कि जमीन से अंदर से बाहर को निकले हैं? दूसरा साइंटिफिक एरर, जमीन से हथौड़ा, हथौड़ा। हाँ तो यहाँ अगर अगर जमीन से निकले हैं तो यहाँ तो अल्लाह अल्लाह ऊपर से गाड़ रहा है, कह रहा कि हमने पहाड़ों को जमीन में गाड़ दिया कील की तरह, ताकि वो हरकत ना करे, ताकि वो हिले नहीं। तो इस हिसाब से जमीन रोटेट भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो साकिन हिल नहीं सकती। अल्लाह तीसरा कुरान में अल्लाह ने ऐसा भी बोला है कि हमने गाय को आसमान से उतारा है। अरे यार वो छोड़ो यार छोड़ो, मैं समझ गया तुमको इस्लाम कबूल नहीं करने वाले। तुम लोग, तुम जो है ना, सिर्फ खुद और बुराई सुनने आए हो मुझसे या गलतियां सुनने आए हो, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आप शांति से सुन लो। ओके, उसके बाद में इसने कहा कि और हमने इसमें बरकत रखी और सब सामान इसके अंदर मासियत से मुकर्रर कर दिए। कितने दिन में? चार दिन में। कितने दिन में बिलीवर भाई? चार दिन में। दो दिन में जमीन बनाई, चार दिन में उसके ऊपर सारे खाने पीने की चीजें, पानी, पौधे, पेड़ सब उगा दिए इसने, खाने पीने की सब चीजें पैदा कर दी, उसके अंदर पहाड़ गाड़ दिए। तो छह दिन हो गए, छह दिन में कायनात बनाने की बात करता, छह दिन में तो खाली जमीन बन रही है, अभी तो कायनात का जिक्र ही नहीं शुरू हुआ, छह दिन हो गए यहाँ मुकम्मल। अब आता है आसमान पर, फिर आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ और वो धुआं धुआं सा था, और उसने कहा उससे और जमीन से फरमाया कि तुम दोनों आ जाओ खुशी से या ना खुशी से। उन्होंने कहा कि हम खुशी से आते हैं। ये भी सबसे बड़ी बोंगी, क्या मजाक चल रहा है। एनी आगे बढ़ते हैं 12 पे। फिर दो दिन में सात आसमान बनाए और हर आसमान में इसके हुक्म भेजा, और हमने आसमान दुनिया को चरागो, चराग कहते हैं चांद सूरज वगैरह की रोशनी और सितारे, इनको यानी कि सितारों से इसको सितारे इसमें लगा दिए, और इससे शैतान से ताकि इसको शैतान से महफूज रखे। अब उसके बाद जब इसने पहले दो दिन में जमीन बनाई, उसके बाद चार दिन में उसके ऊपर पहाड़ गाड़े और उसमें खाने पीने का सामान, पेड़ पौधे सब पैदा कर दिए, उसके बाद दो दिन में सात आसमान सूरज चांद सितारे बना रहा है, यानी कि यूनिवर्स। अब मुझे बताओ, पहले यूनिवर्स बना कि पहले जमीन बनी? बिलीवर साहब, यूनिवर्स। तो ये तो पहले जमीन बना रहा है, और बगैर रोशनी के पौधे लगा रहा है, फूल पत्ते लगा रहा है बगैर धूप के, रोशनी के। पहले जमीन बनाई, फिर पहाड़ गाड़े, फिर पानी पैदा किया, फिर खाने पीने की चीजें पैदा की, फिर उसके अंदर चरिंद परिंद जानवर पैदा किए, उसके बाद उसके बाद ऊपर की तरफ गया। आसमानों की तरफ, आसमानों की तरफ टूटन टूटन मुड़ा आसमानों की तरफ, और सात आसमान बना दिए किया। उसके बाद जमीन बनाने के बाद, ये साइंटिफिक एरर है कि साइंटिफिक फैक्ट है भाई? क्या है ये? वो मैं ऐसा नहीं बोल सकता, वो सूरह हर मजे की बात। ये बताओ, ये जो पूरा यूनिवर्स है जिसमें डार्क यूनिवर्स भी मौजूद है हमारा, जिसको हम देख नहीं सकते, बहुत बड़ा, और इतना बड़ा यूनिवर्स है कि हमारी गैलेक्सी जो है मिल्की वे इसके जैसी अरबों गैलेक्सी है, और हमारी गैलेक्सी के अंदर ही करोड़ों अरबों प्लेनेट और सितारे हैं, राइट? तो इसके जैसी अरबों गैलेक्सीज हैं, और ऐसा डार्क यूनिवर्स है जिसको हम देख नहीं सकते। इतना बड़ा यूनिवर्स उसने कितने दिन में बनाया? दो दिन में। और जमीन, और जमीन की सारी चीजें कितने दिन में बनाई? छह दिन में। यानी कि जमीन बड़ी होनी चाहिए थी फिर तो, जितना टाइम लग गया उसको। My God, मेरा हंसते हंसते पेट फट जाएगा यार। माशाल्लाह, पूरा यूनिवर्स दो दिन में बना डाला, जमीन में छह दिन लगा दिए, कमाल का अल्लाह है। ये सूरह फुसिलत में है ना पूरा? हाँ जी, सूरह फुसिलत में। क्या नाम भाईजान? अपने वालदैन का दिल मत दुखाएं और इस्लाम को पहले समझें, बड़े सही तरीके से। चलो बिलीवर साहब, आप इस्लाम कबूल कर लो, मुझे कोई मसला नहीं, आपके जैसे चले जाए इस्लाम में वही बेहतर है भाई। नहीं, आप मुझे एक बात बता दे कि क्या उतना बड़ा साइंटिफिक एरर है, या क्यों आप इस्लाम के खिलाफ ऐसे करते हैं? ओ भाई, इतना काफी नहीं का, अरे बता भाई। अरे भाई, सीधा सीधा सुन ले यार, जमीन से ना जो सूरज है ना, सूरज वो 3 अरब साल पहले बन के कम्प्लीट हो गया, 3 अरब साल बाद जमीन बना है। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है कि पहले उसने जमीन बनाया, बाद में उसने आसमान की तरफ
रुक किया, फिर सूरज चांद सितारे सातों आसमान बनाया। इवन 3 अरब साल पहले सूरज बन चुका है मेरे भाई, उसके बाद जमीन बनी है, और अल्लाह कह रहा है कि मैंने पहले जमीन बनाया। और शमीम साहब वो आसमान बनाया जबकि आसमान कुछ भी नहीं है, आसमान की कोई आसमान नाम की कोई चीज नहीं है। अगर ये उस अल्लाह की तरह होती ना, शमीम भाई अगर ये और बिग बैंग का जो सबसे बड़ा बॉन्डी है, जमीन और आसमान मिले हुए थे। हाँ सुनिए ना, सुनिए बिग बैंग का जो सबसे बड़ा बोंगी है कि जमीन और आसमान मिले हुए थे, तो जमीन तो भाई वहां पर ना तो उस टाइम पे जमीन था, जमीन तो आज है, लेकिन आसमान तो आज तक बना ही नहीं भाई। अलग किया वो आसमान गया कहां, आज तक मुझे समझ में नहीं दिख ही नहीं रहा कि वो आसमान है कहां भाई। अच्छा चलो मैं दिखाता हूँ आपको समीर साहब, ये जो बोंगी है ये आई कहां से है, ठीक है, ये बोंगी भी आपको दिखाता हूँ कि आई कहां से बोंगी। अरे जालिमो, रिवर्स थ्योरी भी कुछ होता है, समझती क्यों नहीं है तुम लोग। ये सर सारा का सारा जितना भी मटेरियल है ना, ये जमीन आसमान को अलग करने का, ये सारा का सारा कॉपी पेस्ट है सर कुरान में। और कहां से कॉपी पेस्ट है मैं आपको दिखाने लगा हूं अभी तुरंत ऑनलाइन। यानी कि पहले के जो लोग थे ना बेवकूफ किस्म के, उन्होंने बोंगी लिख रखी थी अपनी किताबों में, इंसानों की किताबों में, भगवान की किताब नहीं थी वो, खुदा की किताब नहीं थी वो इंसानों की किताब थी, उसमें उन्होंने बोंगी लिख रखी थी। मोहम्मद रसगुल्ला ने वहां पढ़ ली होगी या किसी ने बता दी होगी, उठा करके कॉपी पेस्ट मार दी। मैं बताता हूं आपको कहां लिखी हुई है, तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले तूने क्या हुआ मोहम्मद क्या हुआ, ऐसा डिंग डांग डिंग बोले। ले जाइए, मैं आपके सामने सर पेश करने लगा हूं ये बोंगे कहां से आई है। Let me open in my web and let me share screen with you. Believer भैया ये लो, ये है बिग बैंग तुम्हारा, यहां से आया बिग बैंग। नट नट इजिप्शियन गॉडेस, क्या लिखा हुआ, नट इन एन इजिप्शियन रिलीजन a goddess of the sky, world of the heaven, often dismissed as a woman arched over the earth god gap, zameen ka jo god hai wo gap hai aur nut jo hai wo aasman ki devi hai egyptian religion mein, ye sir dekhiye ye most culture of the religion where there is the rain personally the sky masculine in the rain being a seed which represents the mother of earth in egyptian, however rain plays the role of infertility, all the useful water is on the earth from the Nile river, Egyptian religion is unique in the genders of its deities of earth and sky, as the goddess of the sky Nut swore the sun and evening and the gave birth to again the morning. So, kul mila karke ye theory hai bhaiya ki ek jo zameen ki zameen ka jo devta hai aur aasman ki jo devi hai wo aapas mein ding dong kar rahe the, to in dono ko devta ne alag kar diya. Ye leke picture dikh rahi hai, इन दोनों को देवताओं ने अलग कर दिया, आसमान को ऊपर कर दिया, आसमान की देवी को, जमीन के देवता को नीचे कर दिया। यहां से कॉपी मारा आपके मोहम्मद ने कि जमीन आसमान मिले हुए तो उनको अलग अलग कर दिया। आपने बिग बैंग देख लिया ना, मोहब्बत की बिग बैंग देख लिया ना, वो बिग बैंग नहीं वो डिंग डोंग है, डिंग डोंग है ये मोहब्बत की दुश्मनी बना दिया यार, कदम से जहालत की हद होती है भाई, हद होती है। और इसको आप जो है ना कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ये लो मैं जो है ना इसका लिंक भी जो है यहाँ डाल रहा हूँ, कहीं भी कभी भी आप जाकर के ये आर्टिकल पढ़ सकते हो। और ये इजिप्शियन रिलीजन है ठीक है भैया, जिसमें डिंकी डिंकी हो रहा था, डिंकी डिंकी चल रहा था भाई साहब इसमें, और उन्होंने अलग कर दिया तो इन्होंने कह दिया कि भाई यही बिग बैंग है। लो जी बिग बैंग हो गया ना, डिंग डोंग को डिंग डोंग को बिग बैंग समझ लिए भाई, गलती यही हो गया कि डिंग डोंग को ना बिग बैंग समझ लिए। बाकी बिलीवर भाई मेरी शुभकामनाएं और मेरी बेस्ट विशेष जो है आपके साथ है, गो एंड एक्सेप्ट इस्लाम, टेक केयर योरसेल्फ। जाइए भाई कटवाइए, हम लोग तो कटवा के पछता रहे, आप जाके कटवा लीजिए भाई। मुफ्ती मैन कहता है कि एक आदमी इस्लाम में आया और इस्लाम में आने के बाद उसको कहा लोगों ने कि तुमको काटनी पड़ेगी नीचे से, यू नीड टू चॉप। उसने कहा भाई हैं मैं तो बुड्ढा हूं भाई, मैं नहीं काटूंगा, ना 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 मैं नहीं काटूंगा। उसने कहा नहीं तुमको काटनी पड़ेगी, नहीं हम जबरदस्ती काटेंगे।
उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कटवाऊंगा, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। उसने बोला अगर तूने इस्लाम छोड़ा तो हम तेरी गर्दन काटेंगे। उसने कहा भाई ये किस तरह का रिलीजन है, इफ आई वांट टू एंटर यू वांट टू चॉप, इफ आई वांट टू एग्जिट यू वांट टू चॉप। तो भैया अगर एंटर होगा तब भी चॉप होगा बिलीवर, और एग्जिट होगा तो भी चॉप होगा, जाके कटवा ले।